स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम हियर वेलकम आवर यूट्यूब चैनल नैनोजी मॉडल स्कूल वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रीवियस वीडियो इन दिस लेसन नंबर 8 सो टुडे आई विल स्टार्ट लेसन नंबर 9 एंड आवर लेसन टाइटल नेम इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स माय योर हिज हर इट्स अवर एंड देयर क्या है यहाँ पर हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं वर्णन करने वाले कुछ वर्ड्स जो है वो हमें दिए गए हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं सो उसमें माय है योर है हिज है हर है इट्स है अवर है एंड देयर है सो सबसे पहले तो हमें एक क्वेश्चन होता है कि ये जो वर्ड्स है वो हम कब और कहाँ यूज करते हैं सो सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग जो है वो हमें पता होना चाहिए कि माय जो है उसका मीनिंग क्या होता है सो माय यानी कि मेरा क्या होता है माय यानी कि मेरा देन नेक्स्ट है योर योर इट मीन्स क्या होता है सो योर यानी कि तुम्हारा क्या होता है योर यानी कि तुम्हारा हिज यानी कि उसका हिज यानी कि उसका कोई भी मेल पर्सन हो तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं क्या यूज करते हैं हम कोई भी मेल पर्सन हो तब हम हिज का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं हिज का यूज करते हैं देन नेक्स्ट है हर हर यानी कि उसकी हिज यानी कि उसका एंड हर यानी कि उसकी यानी कि हर जो है वो हम फीमेल पर्सन जब होती है तब हम हर का यूज करते हैं एंड इट्स इट्स यानी कि यह क्या होता है इट्स मीन्स होता है यह देन नेक्स्ट है अवर अवर यानी कि हमारा क्या होता है अवर जो वर्ड से उसका मीनिंग क्या होता है हमारा एंड देन लास्ट में हमें दिया है धैर्य धैर्य का मीनिंग क्या होता है उनका क्या धैर्य धैर्य यानी कि उनका सो आई होप कि आपको यहाँ पर जो डिस्क्राइबिंग वर्ड से उसके क्या मीनिंग होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम हमारी जो टर्म बुक में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको हम फॉलो करते हैं सो उसमें हमें फर्स्ट क्या दिया है सो उसमें हमें फर्स्ट दिया है लुक लुक एट दिस next is
not there, not there. इन सब को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। हमारे अगला लेसन था उसमें भी कुछ इस तरह का ही डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है उसके बारे में हमने सीखा था। सो इस लेसन में भी हमें उसी तरह का जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो हमें आज सीखना है। सो उसके लिए हमारे जो टर्म बुक है उसमें हमें कुछ सेंटेंस जो है वो हमको दिए गए हैं। सो उनमें से जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो कौन सा है, Where is your house? कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस है? Where is your house? So यहाँ पर जो your words का इस्तेमाल हुआ, किसका हुआ? Your words का। तो your जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हुआ? Describing words हो गया। क्या हो गया? Describing words। Your, your it means क्या होता है? तुम्हारा। क्या होता है? तुम्हारा। Your का मीन्स क्या होता है? तुम्हारा। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा हुआ फर्स्ट सेंटेंस में? तुम्हारा। देन नेक्स्ट हमें क्या दिया है? तो नेक्स्ट हमें सेंटेंस दिया है दैट इज हिज हैट। हैट यानी कि जो कैप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हैट। हैट यानी कि कैप। दैट इज हिज कैप। दैट इज हिज कैप यानी कि जो ये कैप है वो किसकी है? उसकी है। किसकी है? उसकी। तो यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड यूज किया? डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हमारा यूज हुआ वो हुआ हिज। हिज यानी कि उसका। ये जो कैप है, जो वह कैप है वो किसकी है? उसकी है, उसका कैप है। यानी कि यहाँ पर कोई भी मैन पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया? ही। कौन सा किया? ही। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में हमारा योर जो है वो वर्ड यूज हुआ, सेकेंड जो है उसमें हमारा हीज यूज हुआ। देन नेक्स्ट है दिस इज अवर कैट। क्या है फर्स्ट सेंटेंस? दिस इज अवर कैट। ये जो कैट है वो किसकी है? हमारी है। अवर यानी कि हमारा। इट्स नेम इज बिल्की। इट्स नेम इज बिल्की यानी कि उसका जो नेम है वो क्या है? इट्स यानी कि वह। क्या होगा? इट्स यानी कि वह जो बिल्ली है उसका नेम है बिल्की। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्राइबिंग करने वाला जो वर्ड है वो कौन सा हुआ? इट्स। कौन सा हुआ? इट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा योर जो है वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यहाँ पर हिज जो है वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यहाँ पर इट्स जो है वो
please. So फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें है वेयर इज योर होम, आपका हाउस जो है वो किधर है. सो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ, योर. सो योर जो है वो हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ. क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देन नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज हिज हैट. क्या है, दैट इज हिज हैट. सो यहाँ पर हमने हिज वर्ड जो है उसका इस्तेमाल किया, यानी कि हिज जो है वो हमारा इस सेंटेंस में क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ. क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देन उसके बाद है दिस इज अवर कैट. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस इज अवर कैट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अवर जो है उसका भी इस्तेमाल हुआ है. सो अवर जो है वो भी हमारा एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही है. देन नेक्स्ट है इट इज नेम इज बिल्की. उसका नेम जो है वो, यह जो है उसका नेम है बिल्की, यानी कि यह बिल्ली का नेम क्या है, बिल्की. सो ये हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ. देन लास्ट में हमने सेंटेंस दिया है दिस इज नॉट देयर फुटबॉल. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा देयर जो है उसका इस्तेमाल हुआ. सो ये जो देयर है वो हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ. क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देन उसके बाद हमें ब्लैंक दी गई है वो भी हम लोग देखते हैं. देखते हैं सो फोकस
the plants. क्या है हमारी इंस्ट्रक्शन? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, चूज देम फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें जो बॉक्स दिया गया है उसकी मदद से हमें हमारी जो ब्लैंक है वो हमें फिल अप करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें हमारा कौन सा है? सो नंबर वन, फिर यहाँ पर गेंद दी गई है गार्डन। Pure,
some mill in blank bowl. Then last में हमें जो blank दी गई है वो है this is blank classroom. टोटल हमारे पास इस तरह का 6 सेंटेंस हमें यहाँ पर हमारे जो टर्म होते हैं उतने हमें दिए गए हैं. इतने दिए गए हैं टोटल 6 सेंटेंस है हमारे पास. So, first sentence हमारा क्या है? So, first sentence हमारा है, those are blank shoes. Those are blank shoes. He wore them yesterday. एक इसके shoes है. So, he wore them yesterday. यानी कि उसने अगली जो day था, उसी दिन उसने ये shoes जो है वो खरीदा हुआ था. यानी कि मैंने आपको जब मेल पर्सन हो तब कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर हमारे पास ही है. कौन है ही? आप देख सकते हैं ही वो डैन यस्टरडे. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोई मेल पर्सन की बात हो रही है. और वो जो है उसने अगली जो डे था अगला जो डे था उसी दिन उसने उसके शूज जो है वो खरीदे थे. यानी कि ही जो है उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? ही. क्या है? ही. यानी कि एक ही पर्सन की अगर हमें दूसरी बार बात करनी होती है तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? फिर यहाँ पर हमें ही नहीं लिखना है. बारंबार हम ही नहीं लिखते हैं. हम क्या लिखते हैं? ही की जगह प्लस चेंज करके हम वहां पर लिखते हैं ही. यानी कि दोज आर हिज शूज. ही वोर देम यस्टरडे. ये इसके शूज है, ये उसके शूज है. और उसने वो शूज कब खरीदा था? तो यस्टरडे. यानी कि उसने अगले डे जो था उस दिन उसने अपना शूज जो है वो खरीदा हुआ था. देन नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज ब्लैंक ब्लू रिबन आई वियर इट एवरी डे. क्या हमारा सेंटेंस है? दिस इज ब्लैंक ब्लू रिबन आई वियर इट एवरी डे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. सो फर्स्ट पर्सन की जब बात हो रही है तो स्वाभाविक है कि वो मेरी ही बात में कर रही हूँ. यानी कि यहाँ पर मैं लिखूंगी माय. क्या आएगा? माय. यानी कि दिस इज माय ब्लू रिबन. मेरी बात हो रही है फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं. यानी कि दिस इज माय ब्लू रिबन आई वियर इट एवरी डे. उसको मैं एवरी डे यानी कि हर रोज पहनती हूँ. सो इसीलिए हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस में जो ब्लैंक है उसमें हमारा राइट आंसर आएगा माय. क्या आएगा? माय. देन नेक्स्ट है, इज दिस ब्लैंक पेंसिल. इज दिस ब्लैंक पेंसिल. निखिल. क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है? क्या ये निखिल की पेंसिल है? सो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड से वो है योर. क्या है? योर. योर यानी कि तुम्हारा. क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इज दिस योर पेंसिल.
स्किल को क्या पूछा जा रहा है कि ये पेंसिल है वो तुम्हारी है, इसीलिए हमें यहाँ पर हमारे ब्लैंक में क्या लिखा, योर। योर जो है वो हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ। क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देन नेक्स्ट है पेटर एंड नैनास हाउस हैज अ बिग गार्डन। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, पेटर एंड नैनास हाउस हैज अ बिग गार्डन। पेटर एंड नैना जो है उसके हाउस जो है उसमें क्या है, बिग गार्डन है। क्या है, बिग गार्डन। वी प्ले एवरीडे इन ब्लैंक गार्डन, हम लोग एवरीडे वहां पर खेलते हैं। लेकिन हमारे ब्लैंक में हमारा राइट आंसर क्या आएगा, धेर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, धेर यानी कि उनका अथवा तो उनकी, यानी कि हम कहाँ पर खेलते हैं, उनके गार्डन में हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा धेर, PSEIR। क्या आएगा हमारा राइट आंसर, धेर यानी कि उनके गार्डन में हम लोग खेलते हैं। So, Peter and Nana's house is a big garden. Peter and Nana का जो house है उसमें क्या है, बड़ा वाला garden है। और हम लोग वहाँ पर उसके garden में every day in there उसके garden में हम लोग खेलते हैं, यानी कि उनके garden में हम लोग regularly every day खेलने के लिए जाते हैं। और last में हमें 5 नंबर पर दिया है, द कैट इज हंग्री यानी कि जो कैट है वो हंग्री, यानी इट मींस क्या होता है, हंग्री यानी कि भूखी। जो कैट है वो कैसी है, हंग्री है, भूखी है। तो पोर सम मिल्क इन ब्लैंक बाउल, प्योर यानी कि डालना। तो थोड़ा सा मिल्क जो है वो इसमें डालने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि क्या बाउल, किस बाउल में डालने के लिए बताया जा रहा है, यह बाउल। तो यह के लिए हमारे पास जो वर्ड्स है वो है इट्स। तो हम यहाँ पर हमारी नेट में लिखेंगे इट्स। सो यहाँ पर इट्स जो है वो हमारा क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ। क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ। तो द कैट इज हंग्री, जो कैट थी वो भूखी है, इसीलिए पोर सम मिल्क इन इट्स बाउल, यानी कि थोड़ा सा, पोर यानी कि थोड़ा डालना, क्या होता है डालना, यानी कि थोड़ा सा जो मिल्क है वो उसके अंदर, यानी कि यह जो बाउल है उसमें डालने के लिए बताया जा रहा है। देन लास्ट में हमें सेंटेंस दिया है, दिस इज ब्लैंक क्लासरूम, वी हैव आवर क्लासेस हियर। यहाँ पर बात हो रही है दिस इज क्लासरूम की बात हो रही है, किसकी क्लासरूम की बात हो रही है, हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवर का इस्तेमाल हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमारी बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर क्या आएगा, अवर, क्योंकि अवर इट मीन्स होता है हमारा। दिस इज अवर क्लासरूम, ये क्लासरूम है वो किसका है, हमारा है। और वी हैव अवर क्लासेस हियर, हम लोग हमारी कक्षा जो है वो भी इधर ही है। क्या है, हमारी क्लासेस यानी कि हमारी जो कक्षा है, जो हमारा क्लासरूम है वो भी यहाँ पर ही है, ऐसा इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो किस तरह से हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 9 जो है उसका फोकस यहाँ पर कंप्लीट हो
होता है। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारे जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।